हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही अलग तरह का समोसा है, जिसे मैंने बहुत ही यूनिक वे में बनाकर तैयार किया है। बिल्कुल ये अलग टाइप के समोसे हैं। ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करें कि इसे हम किस तरह से बनाएंगे। हमारे बिल्कुल अलग से समोसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लोर, और मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून अजवाइन का इस्तेमाल किया है। अजवाइन आप थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, पर मुझे अच्छा टेस्ट लगता है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। और मैदे में ही मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और एक टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालकर इसे सबसे पहले हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से, और ये जो तेल हमें उतना डालना है जितना में ये अच्छे से जब हम मिक्स करें उसके बाद बाइंड हो सके। आप देख सकते हैं ये हल्का सा बाइंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा भी हमें ऑयल नहीं डालनी है, नहीं तो ये टूटकर बिखरने लगेगी। जब हमारा अच्छे से ये सूखा मटेरियल मिक्स हो जाएगा इंग्रेडिएंट्स, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसकी सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। अगर हम एक बार में डाल देंगे पानी तो हो सकता है ये गीला हो जाए, क्योंकि ये मैदा कम पानी एब्जॉर्ब करता है। इसे हम रख देते हैं ढककर 10 मिनट के लिए, तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, उसे मैंने ऐसे ही रफली इस फोक से मैश कर लिया है। और चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी, बहुत ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। 2 पिंच मैं हींग डालूंगी, और 3 मैंने हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है, और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने घिस लिया है। घिस कर हम लेंगे, अदरक से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फीलिंग का। तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे 30 सेकंड के लिए, ताकि अदरक का कच्चापन और मिर्चा का कच्चापन दूर हो सके। जब मिर्चा और अदरक भून जाएगी तो हम इसमें 1 ओनियन डाल देंगे, जिसे मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है, और इसे जब तक भूनेंगे तब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पर जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूंगी आलू जो हमने क्रश करके रखा है। फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने आलू का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर चाहे तो मटर भी ले सकते हैं, मटर और आलू के साथ मटर, मूंगफली, चुकंदर, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। और जब हम आलू डालेंगे उसके बाद आलू को हमें 2 मिनट तक भूनना है। 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में 1 छोटी चम्मच मैं धनिया पाउडर लूंगी, और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर लिया है, और 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा का पाउडर लिया है, और 1/4 हम गरम मसाला इस्तेमाल करेंगे। और इन सभी को अब मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और इसमें मैं मेन इंग्रेडिएंट भूल गई हूँ, इससे स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा, तो आप मत भूलिएगा। मैंने यहाँ पर नमक भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर नमक डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार। नमक डालकर इसे अच्छे से फ्राई करना है, भूनना है, हमें इसे 2 मिनट तक भूनना है। और आप यहाँ पर मैशर की सहायता से भी पैन में ही आप अच्छे से मैश कर सकते हैं, नहीं तो स्पैचुला की सहायता से चलाते चलाते मैश कर लीजिए। ये देखिए हमारा भूनकर तैयार हो गया है पककर। तो मैं इसमें मेरा फेवरेट धनिया पत्ते मैं ऐड कर लूँगी। पर्सनली मुझे समोसे में धनिया अच्छा लगता है फीलिंग में, तो ये मिक्स करके मैं इसे निकाल लेती हूँ पैन से बाहर। तो इसे मैंने निकाल लिया है पैन से बाहर, और ये हमारा फिलिंग बनकर रेडी है। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो गए हैं और हमारा डो भी सेट हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें इसकी छोटी छोटी सी लोई काट लेंगे, जितना हमें बड़ा बनाना है। तो मैं 1 कप मैदे से मेरा लगभग यहाँ पर 7 समोसे बनकर रेडी हुए हैं। यहाँ पर एक लोई लेंगे डो का, और इसे हम एक रोटी के शेप में बेल लेंगे। इसमें हमें तेल की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है बेलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस पे सूखा मैदा डस्ट करके आप इसे बेल सकते हैं अच्छे से। तो इसको मैं बेल लेती हूँ अच्छे से रोटी की तरह।
तो यहाँ पर मैंने चपाती से थोड़ा छोटा ही रखा है, जितना रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा छोटा ही रखा। इसी तरह से जितने भी हमारे डो की कटिंग की है मैंने, उसकी सारी की चपाती बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 7 चपातियाँ बनकर रेडी हो गई है हमारी समोसे की। तो यहाँ पर समोसे का मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, उसका सारा हेड को मैं कट कर लूँगी हेड को, और इसे चम्मच की सहायता से, चाहे आप चाकू की सहायता से, किसी की सहायता से भी हेल्प से बीज का सारा बीज को निकाल लेंगे। इसको बिल्कुल अंदर से खाली कर लेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली हो गई है। इसी तरह से मैं बाकी टमाटर को भी खाली करके रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी टमाटर के बीज के पोर्शन को निकाल लिया है। अब इसमें जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया था ना फिलिंग, वो थोड़ा सा फिलिंग हम लेंगे और इस टमाटो में हम भर लेंगे, और टमाटर को हम जो हमने चपाती बनाकर रेडी की थी ना उसमें हम अंदर में रख कर, जैसे हम मोमो बनाते हैं चाहे कुछ फील करते हैं तो हम बांधते हैं, उस तरह से मैं इसे बांध दे रही हूँ और अच्छे से इसे पैक कर दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं एकदम लग रहा है पोटली के जैसा ये हमारा बनकर रेडी हो गया है, देखने में लग रहा है ना कितना इंटरेस्टिंग सा। इसी तरह से बाकियों को भी मैं इसी तरह से रोटी के बीच में रखकर इसे अंदर से रखकर इसे ऊपर की ओर पैक कर देंगे और ऊपर की ओर फ्लावर जैसा बना देंगे। तो ये मैंने 7 हमारे समोसे बनकर रेडी हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा 7 समोसा बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने गैस पर पहले से ही ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। जब हमारा ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इन समोसों को हम डाल देंगे। तो एक बार में जितना अट सकता है उतना आप डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 समोसे ऐड किए हैं और इसे हम थोड़ा थोड़ा ऊपर भी ऑयल डालते जाएंगे ताकि ऊपर साइड भी एक बराबर ये पक सके, और नीचे थोड़ा सा जब गोल्डन हो जाएगा तो हम इसे पलट देंगे, और चारों तरफ से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करके पकाना है। और हमारा फ्लेम मीडियम पर होना चाहिए, अगर हाई फ्लेम पर हम करेंगे तो ऊपर की कोटिंग पक जाएगी और ब्राउन हो जाएगी, अंदर का जो टमाटर है वो अच्छे से नहीं पकेगा, सॉफ्ट होगा। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। ये देख सकते हैं कि हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो गया, जैसे समोसे के कलर होते हैं उस तरह से हो गया है। तो मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और बहुत अच्छे से ये पका भी है। तो बाकी जो हमारे समोसे के पीसेस है ना उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे सारे समोसे बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितना लुक वाइज भी बहुत ही सुंदर लग रहा है और खाने में तो बात ही अलग है, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी भी है क्योंकि इसमें टमाटर भी पड़े हैं। ये मैं आपको एक कट करके दिखा रही हूँ कि हमारा टमाटर कितना सॉफ्ट हुआ है कि नहीं, ये मैं गर्मा गर्म ही कट कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। आप इसे गर्मा गर्म ही खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट ये लगता है। देख सकते हैं टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, इसका फिलिंग भी अच्छे से भरा हुआ है। आप इसे टमाटो केचप या इमली के चटनी के साथ खाइए, बहुत ही मजा आएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।